हिमाचल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उसके आकलन के आधार पर भाजपा इस बार रिवाज बदलेगी और बहुमत से फिर से हिमाचल में सरकार बनाएगी। ये बयान शिमला में भाजपा प्रदेश चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। देवेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार की डबल इंजन के विकास पर विश्वास किया है और पार्टी के आंतरिक सर्वे पर दूसरे विभिन्न सोर्सेज के सर्वे के आधार पर भाजपा की फिर से हिमाचल में सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लगातार कमजोर हो रहे ढांचे से नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खड़गे जी को बना दिया और उन्होंने आज प्रेस वार्ता में ये कहा, एक साइड लाइन में कहा, वी ट्राई टू प्रसुएड राजीव राहुल जी बट ही डिड नॉट एग्री, ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस। वो ही इज पार्ट ऑफ माई सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत एक लायक और काबिल आदमी है और एक माने नाने इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन खड़गे जी जो हैं वो सिर्फ भरत का रोल करने आए हैं, रामायण में होकर भरत का रोल, वो उसी खाली में खड़ाओं को पकड़ के बैठने के लिए आए कि दो चार दिन बैठो फिर वापस लाना है, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उनको, यही है कि यही है बस और कोई नहीं हो सकता। एंड इंडिया हैज रिजेक्टेड दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड परिवारवाद। रामचंद्र आप नहीं, अगर आप रामचंद्र राहुल जी को बनाएंगे तो फिर राम राज्य की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। आपने पुत्रों को भी टिकट मिले हैं, विधायकों की पत्नियों को भी टिकट मिले हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि सच में सिद्धांतों, क्या क्या दो आदमियों को टिकट मिला, क्या बाप और बेटे को टिकट मिला, क्या खामद और बीवी को टिकट मिला, ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने कहा वही बात वही हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इन द नर्सरी, वो केजी में जाता है, प्राइम मिनिस्टर इन द केजी, प्राइम मिनिस्टर इन द प्राइमरी, प्राइम मिनिस्टर इन द कॉलेज, और 50 साल की उम्र तक वो ढूंढता रहता है व्हेन एम आई गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज आई बी बॉर्न एज अ प्राइम मिनिस्टर, लोग हो या ना हो। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स को भी बीजेपी ने खत्म किया और इसलिए रिवाज जो हमारा हमने बदला उससे लोगों को समझ आई कि यहां पे ये जो सिलसिला चल रहा है परिवारवाद का सिलसिला चल रहा है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का चल रहा है, वो नहीं। जमहूरियत में वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जिसके समर्थन में लोग। और आज जब कल आखिरी दिन था नामांकन पत्र भरने का और सभी प्रमुख दलों के जो सूची है प्रत्याशियों की वो आ गई है, उसके बाद हमने एक पूरा आकलन किया और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक प्रत्याशी का एक आकलन करने के बाद मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि सर्वेस के आधार पे और जो ग्राउंड की स्थिति है, जमीनी सतह पे जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, उनको समझने के बाद उनका पूरा एक एनालिसिस करने के बाद हमें ये यकीन हो गया है कि रिवाज बदलेगा और हिमाचल प्रदेश में एक मर्तबा फिर भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक सरकार दोबारा कायम होगी। ये तय हो चुका है, पहले तो सियासी समीकरण से हुआ था और हमारे जो विरोधी दल हैं उनके अपने अंदरूनी ढांचे की कमजोरी से हमें यकीन था और लोगों के भाजपा पे विश्वास, भाजपा के नेतृत्व पे विश्वास की बुनियाद पे हमें ये यकीन था कि ये सरकार बनेगी। लेकिन कल जब प्रत्याशियों की भी लिस्ट आई और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए बड़ी जिम्मेवारी से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगली सरकार जो है वो भाजपा
बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हिमाचल में बनाएगी, क्योंकि लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास, हिमाचल की जनता का डबल इंजन सरकार पे है। केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे है, और यहाँ की सरकार पे जो 5 साल की कारकर्दगी है उस पे यकीन करते हुए लोगों ने मन बना लिया है। ये हमारा आंकलन है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स हैं, और हम बड़े मुतमईन हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने के बाद हमारा इंटरनल जो एनालिसिस है उसके बुनियाद पे, विच इज बेस्ड ऑन सर्वेज फ्रॉम मल्टी डिफरेंट कॉर्नर्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी विल फॉर्म अ गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शंस विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। थैंक यू।